फर्स्ट वाला बता दूं? आइए आइए, तो पहले तो हम बात करते हैं, पता लगता है हमें साफ देखने से पता लग रहा है कि ये पूरा सेल नहीं बनाया है, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, यानी कि ये आपके पास एक रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग एनोड कैथोड की बातें नहीं करते हैं, और यही रिएक्शन मेन है, तो मैं डायरेक्ट इसमें ई सेल लिख दूंगा, इसका एनोड माइनस 0.059 एक इलेक्ट्रॉन लॉग प्रोडक्ट एच प्लस का स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें बोल रखा है अज्यूम ऑल द स्पीसीज एज वन, तो इसको भी वन मान लूंगा, इसकी भी कंसंट्रेशन वन मान लूंगा, इसकी भी कंसंट्रेशन मैं वन मान लूंगा, क्लियर। और बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.78, यानी कि इसकी वैल्यू इसने 0.78 दे रखी है, माइनस 0.059 लॉग, सब वन है, एच प्लस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लॉग वन माइनस लॉग एट की का स्क्वायर, लॉग वन जीरो होता है, ये हो जाएगा माइनस टू लॉग एट, तो या फिर ऐसा करो ना, इसको कर दो लॉग सिक्स, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.106। और आंसर आ जाएगा 0.886 वोल्ट। बोलिए दिक्कत क्या है इसमें? जिसको दिक्कत है वो उतार लीजिए इसको। हाँ निकेत, क्या दिक्कत होगी थी इसमें? क्या बेटा बोलो, क्या कह रहा है हर्षित? क्वेश्चन में बोला तो है सबको वन ही मानना है, वरना वन नहीं मानना होता तो सबकी कंसंट्रेशन दे देता या तो पूछ लेता। बोला हुआ नहीं, वो सबके लिए, सबके लिए, अदरवाइज कंसंट्रेशन देता वो दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि बी पार्ट के लिए। हाँ निकेत, क्या दिक्कत हो गई थी इसमें? भव्या, ओ हीरो, आवाज नहीं आ रही तेरी। चलिए साहब, दूसरा वाला, इसका सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल दिया है तो एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी रख दोगे? 10 की पावर -7, खत्म। तो इसको 10 की पावर -7 कर देना, 10 की पावर -14 हो जाएगा, आगे आ जाएगा। +14 हो जाएगा,
अब इसको सोल्व कर लेना, कितना आ रहा है इसका आंसर? 826। और इसको माइनस करो, 826 में से 780 माइनस कर दो, 6 12 4, ठीक है, जीरो, तो 0.046 वोल्ट। बस आइए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। एनोड -0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट में जेड एन प्लस टू, उसको तो वन मान लीजिए, इसको भी वन मान लीजिए, एच प्लस का स्क्वायर। तो इसमें एनोड और कैथोड, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक वाला हो गया एनोड और उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको तो जीरो ले लेता हूं, है ना, कैथोड, ये एनोड, इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट होती है मेरे हिसाब से, ये जीरो होता है। तो ईएमएफ कितना दे रखा है इसने क्वेश्चन में, 0.82। आइए तो ये देखा 0.28 एनोड कैथोड माइनस एनोड, कैथोड हो गया जीरो माइनस 0.76, जिन से जेड एन प्लस टू, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जेड एन प्लस टू की कंसेंट्रेशन, ये रहा 0.28, 0.76, 0.059 अपॉन टू लॉग 10 की पावर माइनस वन, कर कह देता हूं इसको मैं, माइनस लॉग एच प्लस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.28 माइनस 0.76 माइनस 0.03 ऑलमोस्ट, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू लॉग एच प्लस की कंसंट्रेशन। तो 76 में से 28 घटा दो, माइनस कर दो, तो 0.8, 6 और 2 4, ठीक है, ये माइनस में आ गया, माइनस 0.03 अंदर माइनस करो, तो माइनस, चलो इसको अभी रख दो, 0.03 माइनस 2, यानी कि 0.06 लॉग एच प्लस, ये माइनस है, तो माइनस को इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा माइनस 0.03, 0.06 लॉग एच प्लस, इसको इधर लाइए प्लस, तो ये हो जाएगा 8 11 5, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ 0.06 माइनस लॉग एच प्लस, इस चीज को आप कहते हो पीएच। लगभग लगभग 8.6 के आसपास आ रहा होगा, तो करना है इसको एक बार, तो समझना पीछे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसके चार सब पार्ट है, उसके चक्कर में ही कराना पड़ता है, अदरवाइज को टॉपिक को कराता नहीं मैं। तो पहला लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर,
करके बताता हूँ, बट याद सिर्फ आपको एक मेन बात रखनी है, थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब कोई बहुत सारा लिखना पड़े तो मेन मुद्दा समझना करना क्या होता है। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर टूटता है एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आपने वाटर लिया और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक को पॉजिटिव से जोड़ा, एक को नेगेटिव से। जिसको पॉजिटिव से जोड़ा है वो हो गया एनोड, जो नेगेटिव से जोड़ा वो हो गया कैथोड। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जाएगा एनोड के पास, ये जाएगा कैथोड के पास। H प्लस कैथोड रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बैलेंस करूंगा तो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन। ये जाएगा OH माइनस इधर, तो ये बनाएगा ऑक्सीजन और वाटर, साथ में इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसको दो से मल्टीप्लाई करूं तो ये दो हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एनोड का प्रोडक्ट क्या है, एनोड का प्रोडक्ट ये रहा ऑक्सीजन और कैथोड का प्रोडक्ट क्या हो गया हाइड्रोजन, ये आपका आंसर है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराता है तो एनोड पे क्या बनता है ऑक्सीजन, कैथोड पे क्या बनता है हाइड्रोजन। और ये कोई बहुत ज्यादा मतलब रहस्य की बात भी नहीं है, आप इसको तोड़ लेना H प्लस और OH माइनस में, और ये नेगेटिव वाला कहां जाएगा एनोड पे, और यहां क्या बनाएगा ऑक्सीजन, H प्लस कहां जाएगा कैथोड पे, क्या बनाएगा हाइड्रोजन। ये हो गया वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट, लिख लीजिए। यहां दिख भी रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल बनती है, या आधा तो ये डबल, ये हमारे पास 10th क्लास में क्वेश्चन था ना एक। चलिए साहब और चलिए, अब कुछ बातें लिखिए, ठीक है। आपको यह पता करना होता है कि कौन सा आयन किधर जाएगा, है ना, कि सर इसमें क्या है, पॉजिटिव वाला चला जाएगा आपके पास में कैथोड पे और नेगेटिव वाला चला जाएगा एनोड पे। तो इसमें क्या मुश्किल है, मुश्किल है क्योंकि यहां पे तो सिर्फ दो आयन थे, सपोज करो दो पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में है, फिर आपको कैसे पता लगेगा कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा, दो नेगेटिव आयन है आपको कैसे पता लगेगा एनोड पे कौन जाएगा। तो उसके कुछ तरीके होते हैं, पॉजिटिव आयन का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कैटायन होगा पॉजिटिव आयन होगा ये कहां जाएगा, कैटायन होगा तो कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सपोज करो एक सॉल्यूशन में दो आयन है ए प्लस और बी प्लस, अब ये दोनों ही कैथोड पे जाने की कोशिश करेंगे, बट किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी खुद को रिड्यूस करने की, ए की, क्यों, क्योंकि ए का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है ज्यादा है, तो इन दोनों में से ए प्लस इधर जाएगा। सिमिलरली जो नेगेटिव आयन हुआ सपोज करो ये दोनों हो गए, अब एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे वो जाएगा जिसका डिफ्यूजन पोटेंशियल कम होता है। कि सर ये क्या बला है, ये मान लीजिए कि इनको एनोड तक ले जाने के लिए कुछ वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, उस वोल्टेज को बोलते हैं हम डिफ्यूजन पोटेंशियल, या यूं कह सकते हैं कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो जिसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है वो आपका एनोड पे जाएगा। ये इसका बेसिक फंडा है, इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे हम लग कर देंगे, और इसका जिसको ले जाने के लिए डिफ्यूजन पोटेंशियल कम लगता है वो। कि सर हमें कैसे पता लगेगा डिफ्यूजन पोटेंशियल किसका कम है, ये मैं आपको लिखा देता हूं, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो लिखिए पहला पॉइंट लिखिए थोड़ा, और ये भी सुनना। अच्छा एक चीज और है, कभी कभी आपके पास ये सॉल्यूशन होता है और ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड आपके पास प्लेटिनम का भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है, हो सकता है ये जिंक का हो, कॉपर का हो, या कोई और मेटल का हो। तो प्लेटिनम और गोल्ड कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो अगर आपको इलेक्ट्रोड प्लेटिनम या गोल्ड का दिया है तो आप इलेक्ट्रोड को इग्नोर मार सकते हो, क्यों, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। लेकिन अगर जिंक का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, कोई और मेटल का दिया
तो ये समझ लेना कि ये खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैसे अभी समझते हैं, एक एक करके लिखते हैं, तीन पॉइंट लिखाता हूं फिर एक एक करके इसके एग्जाम्पल करते हैं। लिखिए इसको। पहला, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस रिएक्टिव, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस रिएक्टिव, ब्रैकेट में लिखना, फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम और गोल्ड, कॉमा, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर टू, ठीक है, द कैटायन हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द आयन हैविंग क्या हाँ द कैटायन हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड, विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। ठीक है, इसके लिए लिखिए एनायन के लिए थर्ड पॉइंट, इसको हिंदी में लिखना, लिखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन उस नेगेटिव आयन का होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन उस नेगेटिव आयन का होगा जिसका डिफ्यूजन पोटेंशियल, जिसका डिफ्यूजन पोटेंशियल कम है, मींस जिसे एनोड तक ले जाने के लिए कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, मींस जिसे एनोड तक ले जाने के लिए कम पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। ब्रैकेट में एक और लिखना, मींस जिसे ऑक्सीडाइज कराने में कम वोल्टेज लगता हो, जिसे ऑक्सीडाइज कराने में कम वोल्टेज लगता हो। आइए, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर आपको याद है, लेके बारह वो सब, इसका मैं लिखा देता हूं डिफ्यूजन पोटेंशियल का, लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल, नाइट्रेट, सल्फेट, ब्रोमाइड, OH माइनस, ब्रोमाइड, क्लोराइड। है बेटा, ये रहा डिफ्यूजन पोटेंशियल का आइडिया, नाइट्रेट NO3-1, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, यही आपके आते हैं। हाँ, मींस जिसे ऑक्सीडाइज कराने में कम वोल्टेज लगता है, यानी कि हाँ पहले लिख लीजिए इसको, और ये रहा डिफ्यूजन पोटेंशियल। अगर ये सारे के सारे आयन हैं तो इट विल नीड लीस्ट वोल्टेज, और इसको लगेगा मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, इसको लर्न मैंने कैसे कर रखा है, मैंने ये याद कर रखा है, हैलोजन सबसे पहले, फिर हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट, लास्ट नाइट्रेट। मेरा काम इन दोनों से चल जाता है, हैलोजन सबसे पहले जाएगा, फिर हाइड्रोक्साइड,
फिर अगर कोई भूले भटके सल्फेट दे देगा तो मैं सल्फेट भी बोल दूंगा। आइए पहला लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब एक बात समझिए, आपको इसने बोला ही नहीं है कि इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, प्लेटिनम का लिया है या कॉपर का लिया है। तो जब तक कुछ नहीं कहता हम इलेक्ट्रोड किसका मानते हैं, प्लेटिनम का। कॉपी के टॉप पर लिखिए, जब तक कुछ ना कहा जाए इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का ही माने, अदरवाइज वो स्पेसिफाई करेगा। जब तक कुछ ना कहा जाए इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का ही माने। ठीक है, अब जैसे ये है, अब मैं क्या मानूं इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का, ठीक है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो इसमें दो चीजें हैं, एक कॉपर सल्फेट और एक वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कॉपर प्लस टू बनेगा और सल्फेट बनेगा, यहां पर एच प्लस बनेगा और ओ एच माइनस आयन बनेगा। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी कि कॉपर, कॉपर आएगा कैथोड पर, और कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बनाएगा और कॉपर का डिपोजिशन चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। इन दोनों में से कौन आएगा, हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्साइड एनोड पे जाता है तो OH माइनस आयन क्या देता है, ऑक्सीजन, वाटर और इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन, और यहां पे प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉपर। तो कैथोड का प्रोडक्ट कॉपर और एनोड का प्रोडक्ट ऑक्सीजन, खत्म। अब बैलेंस करनी तो इसको दो से करके इसको हाफ करके, यहां से दो इलेक्ट्रॉन है तो यहां भी दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर ये दो ऑक्सीजन है तो यहां पे दो करना पड़ेगा, फिर ये दो होगा तो ये दो हो जाएगा, फिर ये दो हो जाएगा, तो वो सब नहीं पूछता आपसे। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है यानी कि आपके पास ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और कॉपर का ही आपने इलेक्ट्रोड डाला हुआ है दोनों। तो अगेन होना वही है कि कॉपर सल्फेट आयनाइज होगा कॉपर प्लस टू सल्फेट में, और वाटर भी होगा, बट कॉपर का इलेक्ट्रोड दे रखा है इसलिए कॉपर विल, कॉपर इलेक्ट्रोड विल पार्टिसिपेट। कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कि अगर आपके पास एनोड की बात हुई या आपके पास कैथोड की बात हुई तो कॉपर का ही पार्टिसिपेशन चलेगा, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो कॉपर चेंज हो जाएगा कॉपर प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और कॉपर का ही रिडक्शन होगा, कॉपर प्लस टू ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बनाएगा। ठीक है, तो ये तो कहां चला जाएगा, टू सॉल्यूशन, और ये कहां हो जाएगा, डिपॉजिट। अब सॉल्यूशन में कौन है, सल्फेट, तो यहां पर कॉपर प्लस टू सल्फेट से रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉपर प्लस टू और यहां पर हो गया कॉपर, ये आपके प्रोडक्ट हो गए, और कॉपर सल्फेट भी कह सकते हो आप। तो ये दोनों में फर्क है, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला देन इट विल पार्टिसिपेट, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, अगर प्लेटिनम डाल दिया तो फिर आपको ये डिफ्यूजन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से आयंस को माइग्रेट करना है। लिख लीजिए, आइए एग्जांपल करना अगला,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ओके, AgNO3 Ag प्लस और NO3 माइनस देगा, वाटर है, वाटर देगा H प्लस और OH माइनस आयन, इनमें से ये जाएगा, हाँ QHG आगे, इसमें ये जाएगा, तो ये जब जाएगा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा, ये जाएगा एनोड पर OH माइनस, ये ऑक्सीजन वाटर और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सिल्वर, बस। हाँ 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 हाँ, जब OH माइनस ही आएगा तो यही बनाएगा, वो क्या बनाएगा। इवन मैं यहां तक कह देता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक में ऑक्सीजन दिख भी जाए ना, तो एनोड पे ऑक्सीजन ही बनता है, ये सिर्फ ट्रिक है, मैंने कई, मैंने जितने भी रिएक्शन देखी सब में सबका यही हिसाब देखा है मैंने। चलिए अगला ट्राई कीजिए, अगर इसी को मैं सिल्वर के इलेक्ट्रोड से करवा दूंगा तो यहां पे भी सिल्वर का ही रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, तो वो बोला नहीं है तो मानूंगा भी नहीं मैं, ज्यादा भर गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, और ये बोर्ड में आया हुआ था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन के आगे लिख देना बाद में क्वेश्चन, याद कीजिए मैंने क्वेश्चन कराते कराते उसके फर्स्ट पार्ट में बाद में लिखवा दिया था, याद है? हाँ, ये उसी, ये वही वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, NaCl सॉल्यूशन का कराया है इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पे जाएगा हाइड्रोजन, कैथोड पे बनेगा, एनोड पर ये जाएगा, अब क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा था वो मैं आपको लिखा देता हूं, बाद में क्वेश्चन क्या था वो मैंने छुड़ाया था, जो लिखिए क्वेश्चन क्या था इस पे, बाद में क्वेश्चन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के हिसाब से, O2 गैस, यानी कि अगर ये OH माइनस आयन इधर आता तो O2 बनता है ना, O2 गैस शुड लिब्रेट ऑन एनोड, O2 गैस शुड लिब्रेट ऑन एनोड, बट इट इज Cl2 गैस, बट इट इज Cl2 गैस विच इज लिब्रेटेड, विच इज प्रोड्यूस्ड, विच इज लिब्रेटेड या विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इट इज Cl2 गैस विच इज प्रोड्यूस्ड या लिब्रेटेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, in the electrolysis of aqueous NaCl, मतलब कि जब ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन को जाना चाहिए, इसको नहीं जाना चाहिए, तो वजह वही है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से नहीं होता है, यहां पे वैसे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल से, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, OH माइनस आयन को ले जाने के लिए ओवर पोटेंशियल की जरूरत पड़ती, इसमें कम की पड़ती, इसलिए ये गया है ये नहीं गया, तो आंसर लिख लीजिए, लिखिए
इट इज बिकॉज वी नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड मोर पोटेंशियल। ब्रैकेट में लिखना ओवर पोटेंशियल, एनसीईआरटी में लिखिए लाइन। इट इज बिकॉज वी नीड मोर पोटेंशियल, यानी कि ओवर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। हैंस ऑक्सीजन गैस इज नॉट रिलीज्ड। अगला क्वेश्चन करना, मोल्टन NaCl, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए। अब इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मोल्टन का क्या मतलब होता है। मोल्टन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर कॉजेस NaCl melts। तो हाई टेम्परेचर पर NaCl मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है इसलिए आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं। और जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, अब पानी तो डाला नहीं ना आपने, सिर्फ यही बनेगा, वाटर तो इसमें है ही नहीं, तो बस ये चला जाएगा आपके पास में कैथोड पर, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम में चेंज हो जाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगी। बस तो प्रोडक्ट हो गया सोडियम और क्लोरीन, समझ गया। ये रिलीज कर देना, इसको दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देना।